साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे लीजो फोर्स। साथियों लीजो फोर्स जो है डिस्कवरी मैनकाइंड का प्रोडक्ट है। साथियों ड्राई सीरप है बच्चों के लिए। साथियों लीजो फोर्स एक ब्रांड नेम है। साथियों जो इसके अंदर कंपोजिशन है, केमिकल फार्मूला है, वो लेंजोलिड फॉर ओरल सस्पेंशन 100 ml 5 ml में है पर 5 ml। साथियों ये ड्राई सीरप है लीजो फोर्स, 30 ml का सीरप बन के तैयार होता है। इस तरह से ये देखिए साथियों ड्राई पाउडर है। इसमें वाटर फॉर स्टराइल, ये इस वाटर को तोड़ के और इसके अप टू मार्क तक ऐड करके और उसको सेक करते हैं, सीरप बन जाता है साथियों। तो साथियों लीजो फोर्स ड्राई सीरप इज ए सिंथेटिक एंटीबायोटिक। ये क्या है? सिंथेटिक एंटीबायोटिक, बिलोंग्स टू ए न्यू क्लास ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स कॉल्ड एस ऑक्साजोलिडिनोज। ऑक्साजोलिडिनोज क्लास की ये दवाई है साथियों, एंटी माइक्रोबियल है और ऑक्साजोलिडिनोज क्लास की ये दवाई है साथियों। इट इज यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। साथियों किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे कि लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है छोटे बच्चों को। छोटे बच्चे क्या होता है, सर्दी खांसी जुखाम हो जाता है सर्दी में, और उनको निमोनिया के लक्षण हो जाते हैं, निमोनिया हो जाता है। उसमें बहुत ही अच्छा ये रिस्पॉन्स करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। साथ ही साथ स्किन का किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, लीजो फोर्स उसमें बहुत अच्छा बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया इनसाइड ऑफ द बॉडी। इनसाइड किसी तरह का मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, लीजो फोर्स एंटीबायोटिक जो है इस्तेमाल करने से विकार दूर हो जाता है। साथियों डिस्कवरी मैनकाइंड का ये प्रोडक्ट है साथियों, ये 80 रुपये 50 पैसे का ये सीरप है साथियों। केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा, 30 ml बॉटल ये है साथियों। साथियों ये डिस्कवरी मैनकाइंड का है। बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो अलग अलग नाम से, जिसमें लेंजोलिड होता है, अलग से बनाती है। आगे हम ब्रांड की भी बात करेंगे साथियों। अभी हम इसकी जो है यूजेस की बात करेंगे। तो साथियों क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। साथियों ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव किसी तरह का बैक्टीरिया है उसमें ये उपयोग करने वाली दवा है। डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं, जैसे कि लंग में इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन, स्किन का किसी तरह का विकार होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एंड ऑस्टियोमेलाइटिस, ऑस्टियोमेलाइटिस साथियों होता है इन्फेक्शन ऑफ द बोन्स, हड्डियों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें लीजो फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों में, उसमें भी। एंड हार्ट इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी लीजो फोर्स लेंजोलिड का इस्तेमाल किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, UTI हो जाता है छोटे बच्चों में, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड का किसी तरह का इन्फेक्शन है उसमें इसको जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। एंड इट इज आल्सो एड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। एड मतलब सहायता करना, ये क्या होता है कि हेल्प करती है, जिसको MDR कहते हैं, थर्ड स्टेज हो जाती है बच्चों में जो है, उसमें रेसिस्टेंट TB हो जाती है, उसमें भी इसका बहुत अच्छा उपयोग है। जो TB की दवा चलेंगी वो तो चलेंगी, साथ में सपोर्टिव एंटीबायोटिक में जो है अगर किसी को लीजो फोर्स अगर चलाते हैं तो बहुत जल्दी बच्चा जो है स्वस्थ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किसी तरह का इन्फेक्शन है उसमें उपयोग करने वाली दवा है। साथ ही साथ किसी तरह का अगर साथियों मिक्स इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे बच्चे का बुखार नहीं जा रहा है, छींक भी रहा है, खांस भी रहा है, गले में खराश भी है, हैं, और जो है नाक बह रही है, ऐसे केस में क्या है लीजो फोर्स एंटीबायोटिक अगर लिखेंगे बच्चे को जो है देंगे तो बच्चा तुरंत ठीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब है बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है। साथियों साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो इसको इस्तेमाल करने से कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे बच्चे को वोमिटिंग हो जाता है, नोजिया हो जाता है, बच्चे को इस्तेमाल करने से डायरिया ऐसी हो जाती है, बच्चे को सर में दर्द होने लगता है और ये भूख को मार देती है, इस तरह के कुछ क्षणिक इसके जो है लक्षण हैं। साथियों इंट्रेक्शन की बात करेंगे, अगर कोई पहले से एंटीबायोटिक दे रहे हैं, आप जब भी पीडियाट्रिशियन या फिजिशियन के पास जाएंगे, अगर कोई बच्चे को पहले से दवाई दे रहे हैं या पहले से कोई बीमारी है तो तुरंत आपको बताना पड़ेगा, डॉक्टर अपने हिसाब से जो है दवाई देगा। जैसे एमीट्रिप्टिलिन मेडिसिन दे रहे हैं या इस क्लास की कोई भी दवा दे रहे हैं तो उसके साथ इसका कंट्रा इंडिकेशन होने के चांस होते हैं, इंट्रेक्शन होने के चांस है। एंड एमोक्सापाइन एंड सिटालोप्राम क्लास की अगर दवा दे रहे हैं किसी को, या वोमिटिंग की ओंडेनसेट्रान दे रहे हैं तो उसके साथ जो है लीजो फोर्स लेंजोलिड जो है दवा
नहीं दी जाएगी, क्योंकि साइड इफेक्ट होने के चांस होते हैं ज़्यादा, इंट्रैक्शन करने के चांस होते हैं, कहने का मतलब इंट्रैक्शन हो जाता है। अगर किसी बच्चे को पहले से प्रॉब्लम है, GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज है, तो उसको ये दवा नहीं देनी है। किडनी लीवर की प्रॉब्लम है, इम्पायर्ड फंक्शन है, तब नहीं देनी है। किसी बच्चे को सीजर्स आते हैं, झटके आते हैं, तो ऐसे केस में लीजोफोर्स दवाई का सेवन नहीं किया जाएगा। साथियों, लीजोफोर्स दवाई कैसे काम करती है, लैंजोलिड कैसे काम करती है, इसके बारे में बात करेंगे। हाउ टू वर्क लीजोफोर्स जो है साथियों, कहने का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे। तो लीजोफोर्स ड्राई सीरप इज एंटीबायोटिक, जैसा कि आपको बताया है साथियों, ये जो है एंटी माइक्रोबियल क्लास की एंटीबायोटिक है, ऑक्सालिडिनोज क्लास की जो है एंटीबायोटिक है साथियों। साथियों, ये क्या करती है, इट स्टॉप द बैक्टीरियल ग्रोथ बाय प्रिवेंटिंग द सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू कैरी आउट वाइटल फंक्शन। कहने का मतलब है बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया के अंदर जो क्या कहते हैं कि सिंथेसिस प्रोटीन की लेयर होती है, उसको ब्रेक कर देता है और उससे क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाता है साथियों। तो इस तरह से ये बॉडी में वर्क करता है साथियों। इसके डोज की बात करेंगे साथियों, डोज की बात करेंगे, साथ ही साथ डायरेक्शन फॉर यूज। तो साथियों, ये ड्राई पाउडर होता है, इसमें ये इसी के साथ जब भी परचेज करेंगे वाटर फ्लेवर मिलेगा साथियों, स्टराइल वाटर भी होगा जो इसके साथ, यहाँ तो अप टू मार्क तक इसको एड करने से, सेक करने से ये सीरप बन जाएगा साथियों। सीरप बनने के बाद इसको 4 से 5 दिन में जो है इस्तेमाल करना रहता है, उसके बाद ये ख़राब हो जाता है, तो रिपीट जो है दोबारा नहीं जो है इसको इस्तेमाल करना है। बच्चों में क्या है कि जब भी आप परचेज करेंगे नया सीरप होगा, वाटर एड करेंगे, 2 या 3 दिन में ये सीरप ख़त्म हो जाएगा और बच्चा भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर बच गया है, रखा है, दोबारा अगर 2-4 महीने बाद रिपीट करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये ख़राब हो जाता है, इसीलिए ड्राई फॉर्म में होता है। तो साथियों, इसकी डोज है, जब भी आप इसको बच्चे को दो तो एक तो सेक विल बिफोर यूज, पहले इसको जो है लिक्विड को सेक करके तभी बच्चे को देना है। साथ ही साथ क्या करना है, इसकी वाटर को जो है इसको इसके अंदर जो है ऐड करके इसको सीरप बनाना है, जैसा कि बता दिया है। डायरेक्शन फॉर यूज जब भी परचेज करेंगे, इसके जो है पैकेट पे भी लिखा है साथियों। साथ ही साथ इसका जो डोज है, तो साथियों एज डायरेक्टेड बाई फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन डॉक्टर, अदरवाइज साथियों मैं एक आइडियली डोज बताऊँगा। 3 से 5 साल का अगर बच्चा है तो उसको 2.5 ml से लेके 3.5 ml दिन में 2 बार जो है ये सिरप दिया जाता है साथियों। ये 30 ml की बॉटल होती है इस तरह से। और साथियों जो है इसके हम कंपोजिशन की बात करेंगे, तो लैंजोलिड 100 ml इसमें मिला होता है। अल्टरनेट ब्रांड की बात करेंगे, मार्केट में बहुत से अवेलेबल है जो अपनी कंपोजिशन सेम होता है, लैंजोलिड होता है, लेकिन कंपनी का ब्रांड नेम बदल जाता है। जैसे कि लीजोमैक डीएस ड्राई सीरप होता है, माइकलियॉड फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। एंड हेंजोलिड 100 mg ड्राई सीरप जो है हेनिन लैंकिज फार्मास्यूटिकल कंपनी एक कम बनाती है। एंड लीजोमेड ओरल सस्पेंशन एग्लोमेट फार्मा बनाती है। एंड मेगाजोलिड 100 ड्राई सीरप जो है ये साथियों अरिस्टो फार्मास्यूटिकल बनाती है। एंड लीजोफोर्स साथियों जो है मैनकाइंड की एक डिस्कवरी डिवीजन बनाती है। तो साथियों, इसकी जो MRP है 80 रुपये 50 पैसे है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। बट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से या पीडियाट्रिशियन के प्रिस्क्रिप्शन से ये दवाई को देना उचित है, अपने आप ना दें। तो इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।